मध्य प्रदेश के गुना में एक पैसेंजर बस में आग लगने के चलते 13 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर की रात 9 बजे गुना आरोन रोड पर बस की एक डंपर के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इसके बाद बस पलट कर गिरी और उसमें आग लग गई। हादसे में करीब 17 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुना जिले के पुलिस अधीक्षक ने पीटीआई को बताया कि हादसे के वक्त बस में 30 यात्री सवार थे, उसमें से 4 किसी तरह से बस से बाहर आने में कामयाब रहे और घर चले गए। गुना के कलेक्टर तरुण राठी ने आज तक से जुड़े विकास दीक्षित को बताया कि डंपर से टक्कर के बाद बस पलटी और सड़क से नीचे जा गिरी, तभी उसमें आग लग गई। आग भयानक थी, इसलिए कई यात्री इसकी जद में आ गए और जलकर मारे गए। देखिए, अभी की स्थिति में इसमें 17 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में अभी चल रहा है और सभी घायल सुरक्षित हैं और खतरे से बाहर हैं। और इस घटनाक्रम में 13 लोग मृत हुए हैं और ये इसका अभी तक की सीएम ने सर घोषणा की है 4,000,000 रुपये आर्थिक सहायता की और 50,000 रुपये घायलों को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसका पालन किया जाए। प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है, क्या कारण रहे? देखिए, जैसा आपको पता है कि डंपर और बस दोनों आपस में टकराए हैं और फिर बस पलटी खा करके नीचे गिरी है और उसके बाद में उसमें आग लगी। क्या सर अभी ये और भी डेड बॉडियां रह गई हैं क्या? नहीं, अभी कोई डेड बॉडी वहां पर नहीं है, तो मुझे लगता है ये जो आंकड़ा है वो अंतिम है। बस और डंपर के मालिकों का पता चला है, उनके बारे में कोई सूचना, इनके परमिट वगैरह के बारे में कुछ जानकारी? उसके परमिट वगैरह की हमने जानकारी निकालने के लिए अलग से बोला, अभी तक हमारा पूरा ध्यान हमारा ये था कि किस तरीके से राहत का काम चला है। बॉडी की शिनाख्त हम डीएनए के माध्यम से करेंगे और जो सर कुछ डेली अप डाउन करने वाले यात्रियों के परिजन उनको तलाश रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि जो अगर परिजन तलाशेंगे और जो बॉडी का डीएनए होगा उसका मिलान करके फिर पहचान जो है स्थापित हो पाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम ने घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों को हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुर्घटना में दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैंने प्रशासन को घायल यात्रियों को समुचित उपचार की व्यवस्था कराने के साथ ही दुर्घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, गुना आरोन रोड पर यात्री बस में आग लगने की खबर दुखदाई है। घटना की खबर मिलते ही गुना कलेक्टर से चर्चा की और जल्द राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। जानकारी मिली है कि आग में शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि चेहरा देखकर उनकी पहचान करना मुश्किल है। प्रशासन ने डीएनए मिलान के जरिए उनकी पहचान किए जाने की बात की है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।